So, what's up guys and स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं, ये गाड़ी आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी कुछ चेंजेस से दिख रहे हैं गाड़ी के अंदर। और अगर आप गेस कर सकते हो तो करो, आप गेस सिस्टम इंफोटेनमेंट देख लो और बताओ। इंफोटेनमेंट देख के समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा। तो यह है टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड इसको अभी हम सर्विसिंग के लिए देने जा रहे हैं, जो कि है हर्रा वाले के पास पे, ट्रस्ट टोयोटा वालों का सर्विस सेंटर है। अरे अरे, और इसको दे करके अपने को सर्विस की वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पता लग जाएगा कि क्या क्या काम गाड़ी में है। जैगवार चलाने के बाद ये तो ऐसी लग रही है भाई, बड़े भाई, मुझे जैसे पता नहीं क्या जहाज चला रहा हूँ मैं, पता नहीं कौन सा ट्रक चला रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। पिकअप देख रहे हो गाड़ी में, जिस गियर पे सोचे, बड़े इंजन्स की यही बात होती है, जितने भी बड़े कैपेसिटी के इंजन्स होते हैं इनकी यही बात होती है, जिस गियर में चाहो, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिस गियर में चाहो उस गियर में उठ जाती है, थर्ड गियर में उठ रही है इस समय। गरम आना भाई, टोयोटा के ब्रेक्स का भी ध्यान रख लो, ब्रेक भी ऐसी हैं कि टेंशन नॉट, हम सबके ब्रेक्स ठीक कर देते हैं, हमने बलिनो के कर दिए, बलिनो के ब्रेक्स भी ऐसे ही थे टोयोटा वालों की तरह, टोयोटा फॉर्च्यूनर के जो टाइप वन आई थी लेटेस्ट फर्स्ट जन, फाद साहब ने वो भी रखी थी एंड उसके ब्रेक से मुझे बहुत डर लगता था, उसके भी ब्रेक्स एक बार मैंने अपनी इंजीनियरिंग बुद्धि लगा करके ठीक कराए थे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा अपडेट था वो मेरा। तब से मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है कि मैं गाड़ी में बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैंने भाई साहब, मैंने कोई अपनी कंपनी खोल ली होती गाड़ी बनाने की तो मैं आज महिंद्रा और टाटा के साथ कंपटीशन कर रहा होता। क्या कह रहा हूँ बड़े भाई, बहुत ज़्यादा मारा भाई, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, यही बोल रहे हो क्या आप लोग, तो यही कुछ है। और भाई साहब, आईफोन 15 लॉन्च हो गया है, अंकल जी ऐसे ब्रेक मत मारो प्लीज़, iPhone 15 लॉन्च हो गया है, बट हम इस बार iPhone 15 नहीं ले रहे हैं। अरे आंटी, गाय को बाद में साइड करना, बीच रोड में बताओ। iPhone 15 लॉन्च हो गया है बट हम iPhone 15 इस बार नहीं ले रहे हैं, हम लेंगे Samsung का Galaxy Fold 5 वो भी अभी नहीं। तो यही चीज़ है, क्या कह रहे हो बड़े भाई, आप बता नहीं रहे हो कि आपने ये गाड़ी क्या कर रखी है। आउच, इसमें ना एक हाथ से स्टीयरिंग में हाथ दर्द हो रहा, क्या मुझे जैगुआर की आदत पड़ गई या फिर सच में इसका स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है। तो अगर गाड़ी का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूं तो ये है 2015 एंड 16, यानी कि 15 मैन्युफैक्चरिंग 16 रजिस्टर्ड व्हीकल है ये। एंड इसका जो ये है फर्स्ट ओनर व्हीकल है ये, और जो ये किलोमीटर्स रन है, ऐसी फॉर्च्यूनर ढूंढना बहुत रेयर केस है, बहुत मुश्किल है। ये चली हुई है राउंड अबाउट 90 के आसपास एंड 90,000 किलोमीटर्स ड्रिवन फॉर्च्यूनर ढूंढना भी एक अफीम का है, बहुत तगड़ा खेल है। जैसे एंडीवर नहीं मिलती ना सस्ती 3.2 वाली, वैसी इसका खेल है भाई, बड़े भाई। और 2.0 2.2 तो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि जिनके पास है वो बेचना ही नहीं चाहते गाड़ी ने, क्योंकि फीचर्स बहुत दे दिए हैं उनके पास उस प्राइस ब्रैकेट में, और इंजन भी अच्छा खासा है, क्योंकि 2.0 वाला जो इंजन है वो माइलेज बहुत अच्छा निकालता है एंडेवर का। तो यही कुछ है। बाय द वे, ये मैंने अभी तक 106.8 किलोमीटर्स रन कर ली है जब से मैं लेके आया हूँ इसे, और देहरादून रजिस्टर्ड है मेन चीज़। तो इसको जो माइलेज निकल करके आ रहा है वो 10-11 के आसपास आ रहा है एंड मेरे लिए बहुत अच्छा माइलेज है, ठीक है, बहुत अच्छा माइलेज है। 3000 सीसी का इंजन है, 2972 या 2982 ऐसी सीसी सिलेंडर इंजनों का ये, और मैनुअल ट्रांसमिशन है, बस एक ही दिक्कत है इसमें कि मैनुअल है, ऑटोमेटिक होती तो मज़ा आ जाता, बट ऑटोमेटिक में एक दिक्कत है, फॉर्च्यूनर का ऑटोमेटिक जो आता है वो 4 गियर बॉक्स में आता है, उसमें मतलब 4 ही गियर हैं, जैगुआर की तरह 8 गियर नहीं है उसमें, या BMW की तरह नहीं है 8 गियर, नहीं 4 ही हैं, तो थोड़ा सा वो एक वो है,
अरे भाई मेरे लग गई थी अभी ई रिक्शा वाले का, भाई लग जाती फिर मेरे को बोलते व्लॉगिंग में दिक्कत है इस गाड़ी, बहुत ज्यादा दिक्कत। सो भाई लोग एक जनरल चेकअप के लिए गए थे इस गाड़ी के, जनरल चेकअप हो चुका है, सर्विस की जरूरत नहीं पड़ी है, सातवें महीने पे ही सर्विस हो रही है इस गाड़ी की, बहुत अच्छी सर्विस हो रही है। देवभूमि रेस्टोरेंट अभिषेक से मैंने टाइम लिया था 5 बजे तक का शाम को, अभिषेक को जल्दी फेंक दिया मैंने घर। ये थार भी आ रही थी बिकने के लिए 6 लाख में, क्या लगता है बिकेगी ये थार 6 लाख में? 6 लाख में जा रही है, गजब बेइज्जती है। तुम्हारी कैसी चली गई थी 9 लाख में? वो तो जानी वो थी ना, फैक्ट्री जा रही, मतलब वो जो सीमेंट का ट्रक जा रहा है हमारा आगे, ग्रीस लगा रही किसमें पता तुझे? कैसे जो पीली पीली है ग्रीस। सो भाई लोग हम लोगों ने फॉर्च्यूनर की सर्विस करा ली, आपको मैंने ब्लॉग देख लिया होगा, अभी ब्लॉग एडिट कर रहा था मैं तो पता लगा मुझे कि मैंने एंडिंग नहीं करी, एंडिंग का पार्ट नहीं शूट किया, तो अभी एंडिंग का पार्ट शूट करके आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। सो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी है दैट आई हैव सोल्ड माई BMW 320D एंड अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ों की। आप लोगों ने प्लानिंग का कुछ पार्ट तो देख भी लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें साइड बाई साइड चल रही हैं, बहुत जल्द आप लोगों को कीज़ का कलेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी इस समय घर पे तो इन ऑल टोटल 4 गाड़ियाँ हो रखी हैं, तो 4 में से आप लोगों को गेस करना है कि कौन सी है, बलिनो और जैगवार का तो तुम्हें पता है, बाकी की दो आप लोग गेस करो कि कौन सी हो सकती हैं। एक हिंट अगर आप लोगों को मैं दूं तो दोनों ही गाड़ी एक अच्छी हैं और एक फुल SUV में आती है और एक कॉम्पैक्ट SUV तो नहीं कहेंगे बट हाँ वो भी एक SUV सेगमेंट में, दोनों गाड़ियाँ SUV सेगमेंट्स में, तो यही चीज़ है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है दैट कौन सी गाड़ी हो सकती है दोनों। और एक चीज़ और, गिव अवे का जो हमारा पार्ट था वो हम गिव अवे के हमने कुछ रिजल्ट्स निकाल लिए हैं, 10 लोगों के हमारे पास टोटल क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम के थ्रू एंड यूट्यूब के थ्रू, उस 10 में से हम लोग ने 3 लोगों को चुनना है, 10 लोग फाइनल हैं, 10 लोग में एक नाम हमारे पास जो आता है वो सार्थक भाई, बहुत डेली मैसेज करते हैं हमारे, तो सार्थक भाई मुंबई से जो है, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा वो करना, आपका नाम भी इन 10 लोगों में आ रहा है, 10 लोग हमने सेलेक्ट कर लिए। अब 10 में से 3 लोग सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा है क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स, किसी की नीड की रिक्वायरमेंट्स है, किसी की किसी चीज़ की है, किसी की किसी चीज़ की है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि UPSC एस्पिरेंट्स भी मतलब हमारे ब्लॉग्स को देखते हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि आई एम ऑल्सो UPSC के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, निकलूँ ना निकलूँ तो भगवान की इच्छा होगी मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं साइड बाई साइड अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ किसी चीज़ की, तो उसके साइड बाई साइड मैं अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो मेरा निकलना थोड़ा सा कम होता है, बट आप लोगों का लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो अब माई हार्डलीस्ट विशेज़ आर विद यू, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा सॉरी, माई हार्डेस्ट विशेज आर विद यू एंड आप लोग 2024 का UPSC क्रैक करें एंड आप लोग काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स आप लोग अपनी लाइफ में करें, ये मैं आपके ये मेरी दुआ रहेगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नए ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।